हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने आय या फिर जाति या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, कुछ भी फॉर्म आपने भरा है ऑनलाइन या फिर लोक सेवा केंद्र से और वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आप उसकी कैसे फर्स्ट अपील कर सकते हो। अपील करने का टाइम आपको पता ही होगा 30 दिन का रहता है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आप 30 दिन के अंदर उसको फर्स्ट अपील कर सकते हो और आपका फॉर्म फिर से चेक होने जाएगा। अगर आपका गलती से रिजेक्ट हो गया है तो वो फिर दोबारा आपका फॉर्म चेक करेंगे और आपका जाति होगा या जो कुछ होगा आपको बन के मिल जाएगा। अब अपील को करने के लिए क्या प्रोसेस है आगे वीडियो में बताने वाला हूँ और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट को कैसे आप रीअपील कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई किया था और मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो उसको मैं रीअपील करने वाला हूँ। और अपील करने का प्रोसेस सिंपल है। अपील करने के लिए आपको, अगर आपने फॉर्म ऑनलाइन भरा है या फिर ऑफलाइन भरा है वो मैटर नहीं करता, बट आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। सिंपली आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है एमपी लोक सेवा गवर्नमेंट डॉट इन। सिंपली आप एमपी लोक सेवा भी सर्च करेंगे तो भी फर्स्ट वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करना। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। सिंपली फर्स्ट ऑप्शन आपको लॉगिन करना रहेगा इसमें। अगर आपका इस पर ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन कीजिए। जिन लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा तो उनका तो ऑलरेडी ऑब्वियसली होगा ही, तभी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बट जिन लोगों ने ऑफलाइन अप्लाई किया है उनको यहाँ पे नीचे आना है और ऑप्शन मिलेगा नए नागरिक पंजीयन करेगा, इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करके आपको बेसिक डिटेल फिल कर लेनी है, जैसे कि फ़ोटोज़, नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल वगैरह आपको फिल कर लेनी है। और अपने मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाई करने के लिए क्लिक करना है तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, उसको डाल देना है और आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। कुछ इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। बट जो लोग ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है उनको सिंपली लॉगिन करना है तो बैक ऑन। सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उसको डालना है और कैप्चा जो शो रहा है उसको डाल देना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आप लॉगिन पे जैसे ही क्लिक कर लोगे तो आपके यहाँ पे आपको प्रोफाइल शो होने लगेगी। तो यहाँ पे मेरी प्रोफाइल आ चुकी है। अब यहाँ पे आपको जाना है मेरे आवेदन में। बट अगर आपने ऑफलाइन अप्लाई किया था तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है आवेदन की स्थिति जाने में। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, कृपया पंजीयन क्रमांक प्रविष्ट करें, मतलब पंजीयन क्रमांक डालना है। तो ये पंजीयन क्रमांक आपके जो भी, जब आपने अप्लाई किया होगा, ऑफलाइन किया होगा तो उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहता है, जैसे कि आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये आपका कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। और जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, तो उसको यहाँ पे आपको सिंपली डालना है। तो फटाक से मैं डाल देता हूँ और खोजे पे क्लिक कर देना। अब आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निराकरण की स्थिति, मीन्स हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है। तो अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पेंडिंग लिखा रहा है तो आपका जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो वो पेंडिंग में है, वो आपका बन जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे रिजेक्टेड लिखा आ रहा है। अब आपको यहाँ पे अपने प्रोफाइल के आइकन पे आना है, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मेरे आवेदन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप मेरे आवेदन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर फॉर फर्स्ट अपील। सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपने फॉर्म भी चेक कर सकते हो कि आपने किन किन फॉर्म को डाला, तो आपके यहाँ पे सारे आपको फॉर्म शो हो जाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद सिंपली इंटर पे क्लिक करना है। अब आप जैसे ही इंटर पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, तो यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपने किसके लिए अप्लाई किया था। और यहाँ पे अपील का स्टेटमेंट आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आपको आना है नीचे। और यहाँ पे आपको नंबर भी मिल जाता है कि डिजाइनेटेड ऑफिसर कौन है, तो आप यहाँ पे नंबर इसको आप नोट कर लीजिए। आप उनसे बात भी कर सकते हैं डायरेक्ट कॉल करके कि आप क्यों रिजेक्ट किया है, तो ऐसा आपको उस नंबर भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको उसको फोटो खींच लेनी है या फिर उसको नोट कर लेना है, तो अगर आप बात करने के भी कर सकते हैं। बट हम अपील करने वाले हैं तो अपील आपको कैसे करनी है वो बताने वाले। तो आपके जो भी आपने एप्लीकेशन दी थी उसको किस वजह से रिजेक्ट किया है आपको उसको चेक करना है और उस हिसाब से अपनी डिटेल को फिल कर देना है। तो मैं सिंपली फिल कर लेता हूँ। अगर आपका डॉक्यूमेंट वगैरह का हुआ है तो इसमें आप लिख सकते हैं कि हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट है उनको मतलब नीडेड है, या फिर सिंपली आप मोबाइल नंबर दिया है उनसे बात करके भी आप पूछ सकते हैं कि किस वजह से उन्होंने आपका फॉर्म रिजेक्ट किया है। तो उस तरीके से आप अपने हिसाब से इनको फिल कर सकते हैं और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है आपको। सिंपली आप जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे, अपनी बेसिक डिटेल फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो अपील है वो अप्लाई हो जाएगी। बट मैं अपील नहीं करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो श्री महेश पुरोहित उनसे बात हो चुकी है, तो उन्होंने बोला है कि नगर पालिका आप आ जाइए, उसका सोल्यूशन निकाल दूँ। तो आप भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है, उनसे बात करके आप सोल्यूशन अपना निकाल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।